बहुजन द्रविड़ पार्टी बहुजन समाज की एक उभरती हुई पार्टी के रूप में निकल कर सामने आई है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की माने तो पार्टी पूर्णतः कांशीराम की विचारधारा पर काम कर रही है। आजादी से लेकर अब तक जो अधिकार बहुजनों को नहीं मिले थे, पार्टी उस अधिकार को दिलाने की लड़ाई लड़ रही है। कांशीराम का सपना था कि बहुजन समाज, जो कि वर्षों से शोषित होता रहा है, तिरस्कृत होता रहा है, उसे शासक बनाया जाए, और बहुजन द्रविड़ पार्टी इसी सपने को साकार करने के लिए काम कर रही है। और अधिक पार्टी की विचारधारा को समझने के लिए आप पूरी वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इससे आपके मन में उठ रहे तमाम प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। सो दोस्तों, आज का प्रोग्राम मैं पेश करूंगा साथ गुरदयाल चंद सलन जी के नाल, आइडियोलॉजी ऑफ बहुजन द्रविड़ पार्टी। दोस्तों, सानू पता होगा पिछले हफ्ते आप प्रोग्राम पेश किया सीगा द डिक्लाइन ऑफ BSP। सवाल इतने हम पैसा होंदा है द वे फोर्ड, किस तरह वे फोर्ड हो सकता है। सो अज BDP बहुजन द्रविड़ पार्टी अपने विचार सुनगे, अपनी आइडियोलॉजी प्रेजेंट करेंगे, उसके बारे आप भी विचार करेंगे। हाँ जी दोस्तों, मेरे बापू दस तक गल्लां साडे भारत के इतिहास दियां। सो वेरी इंट्रस्टिंग प्रोग्राम आप खास पेश कर लगे हैं दोस्तों। तो सत्कार युग मैं इंट्रोड्यूस कर दें, क्योंकि जो पैनल के सामने है मेरे गुरदयाल चंद सलन जी, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस रिटायर्ड दिल्ली तो, फिर दिनेश कुमार गौतम साहब, अशोक साकेट साहब, जाफरुद्दीन साहब, रजवीर साहब, तो मोहित कुमार साहब। सो सर, मैं बुला जयगुरुदेव, वेलकम टू कांशी विद मेरा देश मेरे लोग प्रोग्राम। तुसी मेरे देश तो हो तो तुसी मेरे लोग हो। सो मैं सत्कार जो गुरदयाल चंद सलन वेलकम करता, तुसी इस मौके पर स्टेज संभालो सलन साहब, तो आप प्रोग्राम शुरू करिए। बहुत बहुत धन्यवाद कांशी रेडियो का और माननीय जी सी सलहन साहब का मुझे अपनी बात कहने का जो अवसर दिया है, उसके लिए मैं पुनः धन्यवाद करता हूं और सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं जो मुझे सुन रहे हैं। आज मैं अपनी बात कहने से पहले बहुजन समाज के सभी महापुरुषों, महामानव तथागत गौतम बुद्ध, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अलावा संत कबीर, गुरु रविदास, महात्मा फुले, छत्रपद साहू जी महाराज, नारायण गुरु, पैरियर रामास्वामी नायकर, पुनः बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और माननीय कांशीराम साहब को नमन करते हुए आज मैं आपकी अपनी चर्चा में, कांशी रेडियो ने हमारे लिए हमारा टॉपिक दिया है, बहुजन द्रविड़ पार्टी की आइडियोलॉजी, यानी आइडियोलॉजी ऑफ बहुजन द्रविड़ पार्टी। मैं आज ये बताना चाहता हूं सभी सम्मान्य साथियों को कि बहुजन द्रविड़ पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो हूबहू वही आइडियोलॉजी है जो साहब काशीराम जी की आइडियोलॉजी। हम लोगों ने अपनी तरफ से इसमें कुछ अलग से जोड़ा नहीं है। हमें जो कुछ करना है वह सब करना है जो माननीय कांशीराम साहब चाहते थे। माननीय कांशीराम साहब की विचारधारा ही बहुजन द्रविड़ पार्टी की विचारधारा है। माननीय कांशीराम साहब का अधूरा कारवां ही हम लोगों का मिशन है, क्योंकि हम लोग अलग से कुछ नहीं करना चाहते, हम वह सब करना चाहते हैं जो माननीय कांशीराम साहब करना चाहते। क्योंकि जैसा कि अभी आपने बताया कि माननीय कांशीराम साहब ने सपना देखा था कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे कि इस देश का बहुजन समाज इस देश का हुक्मरान बने, भारत की पार्लियामेंट पर बहुजनों का कब्जा हो और इस देश में शासन करें, वह लोग शासन करें जिनको कई हजार साल से गुलाम बना के रखा है, 6,743 जातियों के टुकड़ों में बांट करके जिनको रखा और उनको गुलामी की जिंदगी जीने को विवश किया, जबकि जिनकी आबादी 100 में 85, 1931 की जनगणना के मुताबिक बहुजन समाज की आबादी 100 में से 85 है और हम लोग शासित हो रहे हैं, शासक नहीं बन पा रहे हैं। ये चिंता
सिर्फ अकेले बाबा साहब की नहीं थी, बाबा साहब से पहले के जो महापुरुष थे उन सब की चिंता थी। समय समय पर जैसा कि गुरु रविदास महाराज ने कहा है, जैसा चाहूं राज में मिले सबन कुवन, छोट बड़े सब संबसे रविदास रहे प्रसन्न। तो गुरु महाराज ने भी सत्ता की बात कही है। बाबा साहब ने जिस दिन भारत का संविधान राष्ट्रपति महोदय को सौंपा, उस दिन कहा था, हे मेरे बहुजन समाज के लोगों, अपनी दीवारों पर लिख दो तुम देश के शासक हो। तो बाबा साहब ने सत्ता और शासन साहू जी महाराज ने पूरा करने की कोशिश की। छत्रपति साहू जी महाराज ने महात्मा फूले साहब का अधूरा कारवां को पूरा करने का भरकस प्रयास किया। 48 साल की अल्पायु में उनको इस संसार से विदा होना पड़ा, लेकिन बाबा साहब को वो स्वयं अपने आंदोलन का उत्तराधिकारी घोषित करके गए। तो बाबा साहब ने भी बड़ी ईमानदारी के साथ अपने महापुरुषों का जो कारवा है उसे आगे बढ़ाया। बाबा साहब ने भी अपनी विचारधारा में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात कही। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात तथागत बुद्ध से लेकर के साहू महाराज तक लगातार चलती रही, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तक चलती रही। जब मान्यवर काशीराम साहब को पता लगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से लेकर के बुद्ध तक जो महापुरुष है जिन्होंने हम सबके लिए कुर्बानी दी है, अपने सुख सुविधाओं को उन्होंने त्यागा है और मानव कल्याण की भावना से मानवतावादी विचारधारा को आगे बढ़ाया है, तो मान्यवर काशीराम साहब ने बहुजन महापुरुषों का पूरा संघर्ष को जाना और समझा और उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, क्योंकि मान्यवर काशीराम साहब सामान्य राजनीतिज्ञ नहीं थे, एक पॉलिटिक वैज्ञानिक राजनीतिज्ञ थे। मान्यवर काशीराम साहब एक वैज्ञानिक राजनीतिज्ञ थे, तो उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से एक रिसर्च किया कि बहुजन महापुरुषों का आंदोलन क्या है, हमारे बहुजन महापुरुष चाहते क्या थे, इनकी विचारधारा क्या है, उसको समझ करके जब मान्यवर काशीराम साहब ने कहा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से पहले के जितने भी महापुरुष हैं जिन्होंने हमारे लिए कुर्बानी दी है, अपनी सुख सुविधाओं को त्यागा है, मानव कल्याण के लिए काम किया है और मनुवादी व्यवस्था से संघर्ष किया है, पल पल संघर्ष किया है, हमारे देश के अंदर दो मान्यताएं हैं, एक मान्यता है मानवतावादी मान्यता जो हमारे संतों गुरुओं महापुरुषों ने आगे बढ़ाई है, और दूसरी मान्यता है मनुवादी मान्यता, ब्राह्मणवादी मान्यता। तो ब्राह्मणवादी मान्यता ने हमारे हक अधिकारों को छीना है, हमारी सुख सुविधाओं को छीना है, हम पर शासन किया है, हमको वो सम्मान की जीवन जी सके ऐसा सम्मान नहीं न दिया है, और बल्कि हमारा जो सम्मान है उन्होंने छीना है। तो जिन लोगों ने कई हजार साल तक हम पर जुल्म अत्याचार किए, कई हजार साल तक हमारा शोषण किया, ऐसे लोगों से संघर्ष हमारे सभी महापुरुषों ने किया है, तथागत बुद्ध से लेकर सम्राट अशोक, सम्राट अशोक के बाद महात्मा फूले, क्योंकि बीच में गैप रहा, महात्मा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, नारायण गुरु, पेरियार रामस्वामी नायकर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संघर्ष किया वो सारे संघर्ष को मान्यवर काशीराम साहब ने समझा और समझ करके हम लोगों को संघर्ष करना सिखाया, क्योंकि हम लोग मान्यवर काशीराम साहब के समय के कार्यकर्ता हैं। जो संघर्ष मान्यवर काशीराम साहब ने सिखाया उसी तरीके से हम लोग संघर्ष कर रहे थे। तो मान्यवर काशीराम साहब ने जो पार्टी बनाई आप लोग जानते हैं, हमारे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी, पुरानी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा फिर भारतीय जनता पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी पहले कभी जनसंघ हुआ करती थी, भारतीय जनता पार्टी, तो ये जितनी भी मनवादी ब्राह्मणवादी मान्यता को मानने वाली जो पार्टियां थी ये सभी का एक ही एजेंडा था। दूसरा एजेंडा मानवतावादी एजेंडा, वो हमारे महापुरुषों का एजेंडा है। जो हमारे महापुरुषों का एजेंडा है उस एजेंडे पर मान्यवर काशीराम साहब काम कर रहे, और इसीलिए जब भारतीय संविधान में जो व्यवस्था बाबा साहब ने हमारे देश के बहुजन समाज के लिए निर्धारित की, उन व्यवस्थाओं को, उन नियम कानूनों को
भारतीय संविधान में जो हमें हक अधिकार दिए थे उन्हें कांग्रेस ने भी लंबे समय तक शासन किया, भारतीय संविधान को लागू नहीं किया। दूसरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में है, वो उस भारत के संविधान को ही उधेड़ करके उधेड़ना चाहती है, उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी ने भारत का संविधान लागू नहीं किया और भारतीय जनता पार्टी उस संविधान को ही खत्म करना चाहती है। तो मान्यवर काशीराम साहब ने जब ये देखा कि जितनी भी पार्टियां इस देश में ये सिर्फ हम लोगों को गुलाम बनाए रखने के लिए काम कर रही हैं, ये नहीं चाहती कि हमारे लोग मान सम्मान के साथ जिए। शासन सत्ता तो बहुत बड़ी बात है, हम लोग मान सम्मान के साथ जिए, अच्छी शिक्षा हासिल करें, हम लोग एक इंसानी जीवन जिए, ये सब नहीं होने देना चाहती थी जारी पार्टियां। तो जब ये सब कुछ माननीय काशीराम साहब ने देखा कि इन पार्टियों के रहते हुए हम बाबा साहब का वो सपना कभी पूरा नहीं कर पाएंगे जो बाबा साहब ने जिस दिन संविधान सौंपा उस दिन कहा कि मेरे बहुजन समाज के लोगों अपनी दीवारों पर लिख लो तुम देश के शासक हो, तो हम कभी भी शासक नहीं बन पाएंगे जब तक हमारे पास अपनी अपनी विचारधारा पर काम करने वाली पार्टी नहीं होगी, तब तक हम काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बाबा साहब की बनाई हुई पार्टी भी थी लेकिन वो पार्टी टुकड़ों में बिक रही थी, बाबा साहब की बनाई हुई पार्टी टुकड़ों में बिक रही थी। एक मामले पार्लियामेंट की टिकट के लिए पूरी आरपीआई ने कांग्रेस को अपने आप को समर्पित कर दिया। बाबा काशीराम साहब ने कहा कि ये कैसे किस मिट्टी के बने हुए लोग हैं, बाबा साहब कह के गए हैं कि इस देश के शासक बनो और ये शासक बनने की तो बहुत बड़ी बात है, ये टुकड़ों में बिक रहे हैं और इनको सौदा तो भी करना नहीं आता, भाई सौदा तो कम से कम हिस्सेदारी के लिए होता है। इनको जब 100 में से 85 हम लोग हैं और हिस्सेदारी 1% भी नहीं है, तो माननीय काशीराम साहब ने कहा कि बहुजन समाज के जो महापुरुष हैं उनको उनके सपने को अगर साकार करना है तो हमें अपनी पार्टी भी बनानी होगी और अपने लोगों को संगठित करना होगा और शिक्षित लोग जो लोग हैं उनको संगठित करके जो भी हमारे देश के लोग हैं बहुजन समाज के लोग हैं 6,743 जातियों में बटे हुए लोग हैं उनमें हमें भाईचारा पैदा करना होगा। और जब तक हम 6,743 जातियों में बटे हुए लोगों को एकजुट करके उनमें भाईचारा पैदा नहीं करेंगे तो शासक बनने वाली बात तो बेईमानी होगी। तो माननीय काशीराम साहब ने जब ये देखा कि आरपीआई टुकड़ों में बट गई है और वो भी हक के लिए लड़ नहीं रही है, तब माननीय काशीराम साहब ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से लेकर के बुद्ध तक के बीच में जो हमारे महापुरुष रहे हैं, एक तो उनका सपना उनकी विचारधारा है और दूसरी बाबा साहब की पार्टी है, इन दोनों में से ईमानदारी के साथ विचारधारा को बचाया जा सकता है, अब पार्टी को नहीं बचाया जा सकता। क्योंकि पार्टी के तो उन्होंने टुकड़े भी कर दिए और वो पार्टी को जैसे आज मायावती जी बेच रही है पटरी पर रखे उससे भी ज्यादा बुरी तरीके से आरपीआई को वो लोग बेच रहे थे। तो माननीय काशीराम साहब ने जब ये जाना तो उन्होंने पहले तो कर्मचारी अधिकारियों को इकट्ठा किया, वामसेप बनाई, फिर उन्होंने DS4 बनाई और तब उन्होंने एक राजनीतिक प्लेटफार्म लोगों को दिया और माननीय काशीराम साहब ने नारा लगाया जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। तो ये जो नारे माननीय काशीराम साहब ने लगाए तो हमारे जो जागरूक लोग थे उनको समझा कि बाबा साहब का जो सपना है अब माननीय काशीराम साहब के ही नेतृत्व में पूरा किया जा सकता है। इसलिए सारे देश भर के लोगों ने माननीय काशीराम जी की तरफ अपनी दृष्टि डाली और माननीय काशीराम साहब के नेतृत्व में उनके पीछे पीछे चलने लगे और बहुत कम समय में उन्होंने सरकार भी बना के दिखा दी। पहला मुख्यमंत्री उन्होंने ओबीसी को बनाया, मुलायम सिंह यादव को पहला मुख्यमंत्री बनाया और माननीय काशीराम साहब ने कहा था कि भाई मैंने 93 में मुलायम सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाया है और मैं चाहता हूं कि पूरे देश के अंदर ओबीसी के, अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के, धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के, ओबीसी एससी एसटी धार्मिक रिलीजियस और धर्म के जो भी हमारे धार्मिक अल्पसंख्यक हैं
उनको सबको हमें इकट्ठा करना है और इकट्ठा करके उन सबको बराबर की हिस्सेदारी देनी है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी के तहत हमें व्यवस्था क्या करनी है इस देश के अंदर, हमें सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन करनी है। जब राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन करके जब हम सत्ता में आएंगे तो पूरे देश के साथ न्याय होगा, देश के हर आम नागरिक के साथ न्याय होगा। जो अन्याय करने वाले लोग हैं उनसे हम सत्ता छीनेंगे, और न्याय करने वाले लोगों के हाथ में जब सत्ता आएगी तो मानवतावादी व्यवस्था लागू होगी और बहुजन महापुरुषों का जो मानवतावादी आंदोलन है वो आगे बढ़ेगा। और एक हम लोगों की जो मंशा है, हमारे महापुरुषों की मंशा है, वो पूरी होती नजर आएगी। एक तरफ मैं आपको बता रहा हूं मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, एक तरफ मानवतावादी विचारधारा के लोग हैं। तो मानवतावादी जो विचारधारा के लोग हैं वो हम मान्यवर काशीराम साहब के कार्यकर्ता हैं। तो मान्यवर काशीराम साहब के नेतृत्व में जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे, उस लड़ाई को लड़ने में बाधक कौन बना है, ये बात हम लोगों को समझनी होगी। क्योंकि ये जो मान्यवर काशीराम साहब ने जो हम लोगों को जो रास्ता दिया है, उस रास्ते पर अब मायावती जी नहीं चल रही हैं। मान्यवर काशीराम साहब की पार्टी मनुवादी लोगों के हाथों एक तरीके से गिरवी रख दी गई है, सरेंडर कर दी गई है। तब हम लोगों ने, हम ही लोग हैं इस देश के अंदर जो बहुजन समाज पार्टी बचाओ और मायावती हटाओ का नारा लगाया करते थे, हम ही लोग हैं जिन्होंने संकल्प लिया मान्यवर काशीराम साहब का सपना पूरा करने के लिए हम लोग अपने प्राणों की आहुति देंगे। हम लोगों ने लंबे समय तक लड़ाई लड़ी तो जब ये जाना कि अब हम लोग जो है उस सपने को कभी साकार नहीं कर पाएंगे, बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में जो सपना कभी मान्यवर काशीराम साहब ने देखा, तब हम लोगों ने बहुजन द्रविड़ पार्टी का गठन किया है। और बहुजन द्रविड़ पार्टी का मतलब है मान्यवर काशीराम साहब का आंदोलन बहुजन, पेरियर साहब का आंदोलन द्रविड़, बहुजन द्रविड़ पार्टी यानी बहुजन द्रविड़ समाज की पार्टी, और जो हमारे महापुरुषों का जो मानवतावादी आंदोलन है उस आंदोलन को आगे बढ़ाने वाली जो पार्टी है वो बहुजन द्रविड़ पार्टी है। बहुजन द्रविड़ पार्टी का अपना अलग से कोई एजेंडा नहीं है, हमारा एजेंडा मान्यवर काशीराम साहब का मूल एजेंडा है। उस मूल एजेंडे को लागू करने के लिए हम लोगों ने बहुजन द्रविड़ पार्टी एक राजनीतिक विकल्प दिया है। ये राजनीतिक विकल्प मान्यवर काशीराम साहब के सपने को साकार करने के लिए है। और हमारे नारे हैं, हमारे नारे हैं बहुजन द्रविड़ हित की बात करेगा वही भारत में राज करेगा। काशीराम साहब की नेक कमाई आपने सोती कौम जगाई, बहुजन पर अल्पजन का राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पैरियर काशीराम साहब का मिशन अधूरा बहुजन द्रविड़ समाज करेगा पूरा, ये हम लोगों के नारे हैं। और इस नारों से आप लोग समझ गए होंगे कि बहुजन द्रविड़ पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है, बहुजन द्रविड़ पार्टी की विचारधारा क्या है। बहुजन द्रविड़ पार्टी की विचारधारा, बहुजन द्रविड़ पार्टी की आइडियोलॉजी, मान्यवर काशीराम साहब की आइडियोलॉजी, मान्यवर काशीराम साहब की विचारधारा, मान्यवर काशीराम साहब का अधूरा कारवा, हमारे बहुजन महापुरुषों का सपना बहुजन द्रविड़ पार्टी की आइडियोलॉजी है, और वही आंदोलन को हम लोग आगे चला रहे हैं। तो हम इस देश भर के जो भी हमारे विद्वान साथी हैं और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के भी जो हमारे साथी हैं, जो हमारे भारत से जाकर के दूसरे राज्यों में रह रहे हैं, उनको भी हम ये बताना चाहते हैं कि आप लोगों को, सभी को हम लोगों का साथ देना चाहिए। कि काशीराम साहब का अगर सपना पूरा नहीं किया गया तो अभी तो संविधान को बदलने की बात हो रही है। वैसे मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत का संविधान 90% बदल दिया गया है, 10% बाकी है, कवर कवर ऊपर का कवर रह गया है। अगर हम लोग सावधान नहीं हुए, खड़े नहीं हुए, जागरूक नहीं हुए,
तो बाबा साहब का सपना कभी हम पूरा नहीं कर पाएंगे, बाबा साहब के संविधान को भी नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि संविधान खतरे में है, उनकी विचारधारा खतरे में है और बहुजन समाज का मान सम्मान स्वाभिमान खतरे में है, हम लोगों की हिस्सेदारी खतरे में है, हम लोगों का जो मौलिक अधिकार है, जो भारत के संविधान में बाबा साहब ने हमको जो मौलिक अधिकार दिए हैं, ओबीसी के लिए आर्टिकल 340 दिया है, अनुसूचित जाति के लिए आर्टिकल 341 दिया है और अनुसूचित जनजाति के लिए आर्टिकल 342 दिया है, 340, 341, 342 को ये लोग मिटा देंगे, भारत के संविधान को खत्म कर देंगे, अगर हम लोग खड़े नहीं हुए तो कोई दूसरा रास्ता है नहीं। हम लोगों ने देखा है जो हालात कभी माननीय कांशीराम साहब के समय पर हुआ करते थे उससे भी ज्यादा खतरनाक हालातों से अब हमारे देश के बहुजन समाज को दो चार होना पड़ रहा है, गुजरना पड़ रहा है, उसको भुगतना पड़ रहा है। तो हम बहुत सारी लंबी बात है, वो कही जा सकती है, घंटों चर्चा कही जा सकती है, कि हमारी जो मूल बात यह है कि माननीय कांशीराम साहब का अधूरा कार्यवाही हमारा कार्यवाही है, उनकी विचारधारा हमारी विचारधारा है, माननीय कांशीराम साहब का जो सपना है उस सपने को साकार करना ही बहुजन द्रविड़ पार्टी का मूल मकसद है। आप लोगों को ये बताना चाहता हूं, बहुजन द्रविड़ पार्टी ने हिंदी में ये एक अपील जारी की है, ये 6 पेज की है, इन्हीं अपील पर हम लोगों ने बहुजन द्रविड़ पार्टी इससे पहले अपने महापुरुषों के फोटो लगाए हैं। सबसे पहले फोटो हमने लगाया है महात्मा फुले साहब का, फिर साहू महाराज का, फिर बिरसा मुंडा का, नारायण गुरु का, संत गाड़गे महाराज का, और ये छोटू सर छोटू राम जी का, मंगूराम मंगोवालिया साहब का, तमिलनाडु के मालवन शेखरन साहब का, कैप्टन जयपाल मुंडा का, कर्पूरी ठाकुर का, इनको बिहार का लेनिन कहते थे जगदेव प्रसाद कुशवा जी का, उत्तर प्रदेश के पैरियर दलेश सिंह यादव जी का, रामस्वरूप वर्मा जी का, और पैरियर साहब का, बाबा साहब और माननीय कांशीराम साहब का, ये फोटो हमने ये लगाए है, इन्हीं का सपना ही बहुजन द्रविड़ पार्टी है। बहुजन द्रविड़ पार्टी के नीचे हमने अपनी जो मूल आइडियोलॉजी है उसका जो मूल मंत्र है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय हमने लिखा है, क्योंकि मायावती ने जो माननीय कांशीराम साहब के आइडियोलॉजी पर जब चोट की, मनुवादी लोगों के माध्यम से जो चोट कराई, तो सबसे पहले उन्होंने इसी पर हमला किया, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को बदल करके सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय किया। इसलिए हम बताना चाहते हैं हमने सबसे पहले पार्टी के नाम के साथ ही बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लिखा है और हमने बताया है इस अपील में, ये 6 पेज की अपील है, इस 6 पेज में हमने अपने नारे भी दिए हैं और अपनी बात कही है। जो व्यक्ति इस अपील को पढ़ लेता है उसको ये पता हो जाता है कि बहुजन द्रविड़ पार्टी ही माननीय कांशीराम साहब की वास्तविक आंदोलन की पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी अब माननीय कांशीराम साहब की पार्टी नहीं रही है, बहुजन समाज पार्टी तो सतीश मिश्रा और मायावती के द्वारा मनुवादियों के चरणों में रख दी गई पार्टी है और अब वो पार्टी हम लोगों के बहुजनों के हक अधिकारों के लिए लड़ने वाली पार्टी नहीं है, हम बहुजनों के हित के लिए पार्टी नहीं है, अब तो वो मनुवादी व्यवस्था को कायम करने की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी को बार बार सत्ता सौंपने में मददगार पार्टी बन गई है। उसे हम लोग बहुत से साथी ब्राह्मण समाज पार्टी कहते हैं, बहुत से भारतीय जनता पार्टी सहयोगी पार्टी कह देते हैं, मायावती की परिवार की पेट भरू पार्टी कह देते हैं, बहुजन समाज को पटरी पर रख के बेचने वाली पार्टी कह देते हैं। तो जो मर्जिया नाम से लोग पुकार रहे हैं और पूरे देश में लोग देख रहे हैं, आज पूरे भारत को, पूरे भारत के बहुजन समाज को एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता थी और सही समय पर हम लोगों ने प्लेटफॉर्म दिया है और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है जीवन कुमार मल्ला जी, माननीय कांशीराम साहब के कैडराइज वर्कर हैं, हमारे से साथी, हमारी उम्र, हम उम्र के भाई हैं, तमिलनाडु के रहने वाले हैं। तो बहुजन द्रविड़ पार्टी से एक तो आइडियोलॉजिकल जो हमने जानकारी दी है, दूसरा एक और बड़ा मामला है, बहुजन द्रविड़ पार्टी का मतलब यह है कि तमिलनाडु से लेकर के दक्षिण भारत से लेकर के उत्तर भारत
और उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक जब बहुजन द्रविड़ पार्टी नाम ले दिया जाता है तो लोग सीधे सीधे समझ जाते हैं कम से कम 15 राज्यों की पार्टी है ये, उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने वाली पार्टी है। और जहां हमारे देश के अंदर बहुजनों को ही नहीं बल्कि उत्तर और दक्षिण भारत के नाम से हम लोगों को बांटने का भी काम किया, हम लोगों को दक्षिण और एक इस पर जरा एक मिनट में नेट चालू करो वाईफाई, ठीक ठीक कोई बात। तो मेरा बीच में नेट इसलिए चालू किया कि भाई दी खत्म ना हो जाए। तो हमारा ये कहना है कि मानवर काशीराम साहब का जो मूल आंदोलन है वो बहुजन द्रविड़ पार्टी का आंदोलन है, उत्तर से दक्षिण पूरे भारत को जोड़ने का एक ऐसा वैचारिक आंदोलन है। इसमें मान्यवर काशीराम साहब और पेरियर साहब का जो आंदोलन है, उनकी जो सोच है, उनकी जो विचारधारा है, उसको जोड़ करके हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष दक्षिण भारत और मैं राष्ट्रीय महासचिव उत्तर भारत, और हमारे इस मूवमेंट में पूरे देश भर के विभिन्न राज्यों के लोग इसमें काम कर रहे हैं, और जितने विद्वान साथी हैं जो मान्यवर काशीराम साहब के आंदोलन को समझते हैं, उनकी विचारधारा को समझते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं, जिन्होंने मान्यवर काशीराम साहब के साथ काम किया है, मान्यवर काशीराम साहब का त्याग देखा है, बलिदान देखा है। मान्यवर काशीराम साहब ने अपने पूरे जीवन का जो सब कुछ था वो सब हमारे लिए, हमारे बहुजन द्रविड़ समाज के लिए उन्होंने समर्पित नहीं किया, पूरी तरह कुर्बान कर दिया। तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि अब कब तक हम लोग घरों में बैठे रहेंगे, हम कब तक आखिर इन मनवादी व्यवस्था के लोगों के गुलाम बने रहेंगे, और कब तक हम मायावती जैसे गद्दार लोगों के हाथों बिकते रहेंगे, और मायावती के जो चमचे टाइप के लोग हैं जो पुड़ियों में रख करके बहुजन समाज पार्टी को बेच रहे हैं और विचारधारा को जूतों से रौंद रहे हैं, और सतीश मिश्रा जैसे मनवादी के पैरों से उछलवा रहे हैं, रुंधवा रहे हैं, और बहुजन समाज पार्टी के मंच से नारा लगा रहे हैं कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ब्राह्मण संघ बजाएगा, हाथी दिल्ली जाएगा, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। तो चलो मैं समझ सकता हूं जो कम जानकार लोग हैं, साधारण गांव के गरीब कमजोर किसान लोग हैं, मजदूरी करने वाले सामान्य लोग हैं, वो समझ नहीं सकते, चलो मान भी लेता हूं। समझदार पढ़े लिखे लोगों को, विद्वान लोगों को तो समझना चाहिए, वो तो समझ रहे हैं, लेकिन मुझे इस बात की बड़ी विडंबना कष्ट होता है अगर हमारी बात को कोई समझने की जल्दी करता है, जल्दी समझ लेता है। गौतम साहब का नेट डिस्कनेक्ट हो गया। सामान्य व्यक्ति हमारी बात को जल्दी समझ लेता है, और जो पढ़े लिखे लोग हैं, संपन्न लोग हैं, व्यापारी किस्म के लोग हैं, अधिकारी रहे हैं, ये वर्तमान में अधिकारी हैं, वो कहते हैं बात तो आपकी सही है, आप बात बिल्कुल बढ़िया कर रहे हैं, कांशीराम साहब की आइडियोलॉजी को मायावती ने मिट्टी में मिला दिया है, उनकी पार्टी को पटरी पर रख के बेच दिया है, लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता है। मतलब क्यों नहीं हो सकता भाई, जो बात कभी महाराष्ट्र के लोग मान्यवर काशीराम साहब से कहा करते थे कुछ हो सकत नहीं, जो महाराष्ट्र के लोग कहते थे हो सकत नहीं, वही भाषा आज उत्तर भारत के लोग बोल रहे हैं कि अब हो नहीं सकता। ये क्या बदतमीजी है, ये कौन सी कायरता है, ये कैसी नपुंसकता है, ये हम लोगों को समझनी है। ये जो अपने आप को बहुत बड़े विद्वान कहते हैं, बहुत बड़े समझदार कहते हैं, अपने आप को बहुत से तो मिशनरी लोग हैं जो घरों में पड़े पड़े बकवास करते रहते हैं, तुम काहे के मिशनरी हो भाई, जब तुमको बहुजन महापुरुषों का मिशन मूवमेंट पता है
तुम लोगों ने माननीय काशीराम साहब के साथ काम किया है, माननीय काशीराम साहब का बलिदान हो गया, उन्होंने अपनी पूरे जीवन का आहुति दे दी। आज कांशीराम साहब का मिशन हमको पुकार रहा है, बहुजन समाज एक विकल्प की तलाश में अपेक्षा कर रहा है, वो भी तुमने नहीं किया। लेकिन आज हमने जब विकल्प दे दिया है, जीवन कुमार मल्ला जी के नेतृत्व में हमने एक विकल्प दे दिया है, बहुजन द्रविड़ पार्टी नाम कोई मामूली नाम नहीं है। अगर देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी से भी भारी भरकम एक अपीलीय नाम है। ऐसा अपीलीय नाम जो व्यक्ति समझदार किस्म का व्यक्ति अगर इसे पढ़ता है तो नाम पढ़ते ही समझ जाता है कि ये कितना भारी भरकम नाम है। लेकिन अभी लोग साथ नहीं आ रहे हैं। हम चाहते हैं, अब समय ज्यादा नहीं रहा, बहुत सीमित समय है, बहुत सीमित समय में हमें अपनी बात को आगे बढ़ाना है। माननीय काशीराम साहब का अधूरा कारवां उसे मंजिल तक, मंजिले मकसूद तक पहुंचाना है। और तथागत बुद्ध से लेकर कबीर, गुरु रविदास, बिरसा मुंडा, सर छोटू राम मंगोवालिया साहब, जितने भी हमारे बहुजन महापुरुष हैं, सभी महापुरुषों का जो कारवां है उसे हमें मंजिले मकसूद तक पहुंचाना है, उसे आगे बढ़ाना है। माननीय कांशीराम साहब की मानवतावादी विचारधारा को हमें उन्हें स्वीकार करना है, पुनर्स्थापित करना है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी अकेले दिनेश। धन्यवाद गौतम जी, आपका नेट भी बंद हो गया है। और इस लड़ाई को मैं सभी पिछड़ी जातियों को 6743 जातियों में बटा हुआ जो बहुजन द्रविड़ समाज है जी, सम्राइज की जिम्मेदारी पर जी टाइम बहुत ज्यादा आप काफी समय अच्छा, हो गया है तो मैं अपनी बात को मैं कल आगे खत्म करने की तरफ ले जा रहा हूं। तो हमारा जो कहना यह है कि माननीय कांशीराम साहब उनकी कुर्बानी का हमें ध्यान रखते हुए माननीय काशीराम साहब के सपने को साकार करना है, उनके मिशन मूवमेंट को मंजिले मकसूद तक पहुंचाना है। और बहुजन द्रविड़ पार्टी ही वास्तविक बहुजनों का विकल्प है और यही असली बहुजन समाज पार्टी है। बहुजन द्रविड़ पार्टी एक सामान्य पार्टी नहीं है और इसकी अपनी विचारधारा, अपनी कोई विचारधारा नहीं है। माननीय कांशीराम साहब की बहुत 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 धन्यवाद गौतम साहब। साथियों का मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे सुना, कांसी रेडियो का पुनः धन्यवाद करता हूँ, सलमान साहब को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, जय बहुजन द्रविड़ समाज, जय पेरियर, जय कांशीराम। एक्चुअली सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूंगा एंड काशी रेडियो को थैंक यू बोलना चाहूंगा कि उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी अपनी बात रखने के लिए। और एक्चुअली मेरा पहला सवाल है कि जैसे कि बहुजन द्रविड़ पार्टी एक प्रिंसिपल पर काम कर रही है, बहुजन के हित के लिए काम कर रही है, तो एक ड्रॉबैक जो मैंने देखा है अभी तक की लाइफ में कि जितना भी दलित समाज है या बहुजन समाज हम कहें, वो एक हिंदुइज्म की तरफ फोकस्ड है। मंदिरों में जाना, और एक्चुअली मंदिरों में जाना इज ओके, बट सब कुछ छोड़कर उसी तरफ चल देना ये थोड़ा सा टिपिकल है। ये हमें एक बैक फुट पे लेकर जाने का काम करता है। तो फर्स्ट मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बहुजन द्रविड़ पार्टी का इस प्रॉब्लम से फाइट आउट करने का क्या पैटर्न है, किस तरीके से वो काम करेगी। सेकंड मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी हम सब जानते हैं और
बीडीपी ने भी कहा, बहुजन द्रविड़ पार्टी ने भी कहा, दिनेश गौतम जी ने भी कहा कि मायावती ने अपना जो समाज है उसका एक तरीके से सौदा कर लिया है ना। जितने भी वोट थे या जो भी कुछ था उन्होंने सीटों को बेचा, उसके बाद बीजेपी की बी पार्टी बन गई या बीजेपी की बी पार्टी बनकर निकली, कुछ भी कह सकते हैं, बीजेपी की एजेंट कह सकते हैं, उसमें कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आगे चल के जो आज मायावती का प्रेजेंट है, कल को अगर वही प्रेजेंट बीडीपी का होता है, बहुजन द्रविड़ पार्टी का होता है, तो उसके लिए क्या बैकअप है, क्या सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया है, क्या स्ट्रेटेजी के लिए अप्लाई गई है? दो क्वेश्चन है मेरे, तो या तो साकेत जी रिस्पॉन्ड करेंगे या फिर गौतम जी। लगता है अशोक साकेत तैयार है जी। एक्चुअली जो आपका पहला क्वेश्चन है, समाज मंदिरों में जाता है और जो कुरीतियां है उससे ग्रसित है, उसके लिए हम लोग एक जो एक काम कर रहे हैं सोशो पॉलिटिकल, जब हम प्रोग्राम करते हैं उसमें लोगों को जो ये दुष्प्रवृत्तियां हैं उससे अवगत कराते हैं कि लोग जो ये ब्राह्मणिज्म का जो षड्यंत्र है उससे बचें और आगे भी इस प्रक्रिया को हम जारी रखें। अब इसके साथ जो सामाजिक संगठन दुनिया भर चल रहे हैं वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो समाज को इस दिशा में जागरूक करें, लेकिन वो करते राजनीति हैं और नाम सामाजिक संगठन का रखे हुए हैं। तो ये जो सामाजिक जन जागरूकता का काम है, हमें ऐसा लगता है कि जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उनको इस काम को बड़े पैमाने पे करना चाहिए। हम अपने स्तर पे करते हैं लेकिन हमारा जो प्राथमिक उद्देश्य है वो राजनीतिक है। हम लोग समाज को संगठित करके जो राजनीतिक समस्याएं हैं, जिन समस्याओं से आज पूरा देश जूझ रहा है, उसके लिए मुकाबले के लिए ये बीडीपी बनी है। और जो हमारी यूनिटें हैं, जैसे कांसीराम काफिला है, बहुजन स्टूडेंट फ्रंट है, ये समाज में अवेयरनेस का काम कर रहे हैं। दूसरा सवाल जो आपका था गारंटी वाला, कि क्या आपकी तैयारी है कि जो आज सिचुएशन, जिस सिचुएशन से आज बीएसपी गुजर रही है, कल वो वही सिचुएशन जीडीपी में ना आ जाए। जाहिर तौर पे ये बहुत उचित सवाल है और इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता कि कल जो इससे जुड़े लोग हैं वो भी नहीं बिकेंगे। उसके लिए उपाय किए जा सकते हैं, तो हम लोगों ने उपाय के तौर पे ये सोचा है कि जब कोई तानाशाह बन जाता है, जब कोई सर्वे सर्वा बन जाता है, तो वो अपनी मनमानी करने लगता है। उसका एक ही उपाय है कि हमें समाज में ज्यादा से ज्यादा अच्छे समझदार लीडर्स पैदा करने पड़ेंगे और हम प्रयास कर रहे हैं। अभी हमारी जो सीनियर जनरेशन है वो इसको लीड कर रही है, हम लोग जो सेकंड लाइन के लोग हैं सीख रहे हैं, देख रहे हैं, और हम जो युवा नेतृत्व, जो युवा इंटरेस्टेड लोग हैं जो राजनीति में हैं, अभी हमने अपनी स्पीच में बात करी थी कि हम पॉलिटिकल ट्रेनिंग सेंटर खोलेंगे, तो हम इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए पॉलिटिकल ट्रेनिंग सेंटर खोलना चाहते हैं कि हमारे पास पूरी संभावनाएं हैं कि राजनीति में लोग इधर उधर जाते हैं। अभी हमारा कुनबा छोटा है, हम संगठित हैं, कल हमें भी इन समस्याओं से जूझना पड़ेगा। इसके लिए हम अभी से अपने पॉलिटिकल ट्रेनिंग सेंटर के आपकी आवाज कट गई है। हेलो, हम अपने पॉलिटिकल ट्रेनिंग सेंटर्स के तहत देश में इतने नेता बना देना चाहते हैं कि इस तरीके की समस्याएं आए ही नहीं। जी
धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी मोहित कुमार जी, और कुछ पहला? जेके साहब मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी जेके साहब मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मोहित कुमार जी को मैं जो सेकंड क्वेश्चन था उसका मैं रिप्लाई देना चाहता हूँ। मैं मोहित कुमार जी, बात ऐसी है, मेरी सारी उम्र जो उनसी है कांग्रेसी के तौर पर बीती है और मैं करीब 60 साल से समाज के अंदर जुड़ा हुआ हूँ और मैंने हर तरीके से हर एक आदमी को परखा है, समझा है, सब कुछ किया है। आपका ये सोचना बिल्कुल सही है कि जो मायावती ने किया है क्या वो बीडीपी नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है, आपका बिल्कुल सोचना जायज है। पर इसका मैं आपको उपाय देता हूँ कि मायावती के पास एकाधिकार आ गया था, हम उस एकाधिकार को हम बिल्कुल ही खत्म कर देंगे कि एक आदमी का कोई भी अधिकार नहीं रहेगा। एक कॉन्फेडरेशन टाइप होता है जिसको कि अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो वो कोर कमेटी में ही डिसीजन जो था वो फाइनल माना जाएगा। और जैसे मायावती पुराने आदमियों से डरने लग गई थी कि ये मेरा जोन सा है, मुझे नुकसान पहुंचाएंगे, मेरी बात को ये बहुजन को सर्वजन करने में मतलब आड़े आएंगे, इसलिए उसने पुराने आदमियों को वहां से निकालना शुरू कर दिया और सारे पुराने आदमियों को निकाल के तब उसने अपनी विचारधारा को चेंज किया। तो हम उस चीज के लिए हम लगाम लगाएंगे कि इस तरीके से जो कोर मेंबर है, जो इसके दिशा निर्देश बनाने वाले हैं, जो इस चीज को आगे लेकर चलने वाले हैं कि कोई एक आदमी उनको नहीं निकाल सके और जो भी फैसला हो सर्वसम्मति से हो तो उसके ऊपर चलेंगे। अगर इस तरीके की अगर लगाम लग गई तो फिर मुझे नहीं लगता कि उसको कोई किसी भी तरीके से दुरुपयोग कर सकता है। मोहित कुमार जी। हाँ जी, थैंक यू जी सर साहब जी। मोहित कुमार जी, हो कुछ सवाल पूछना है? मोहित, मेरी बात सुन दी सलो साहब? आपकी आवाज तो आ रही है। ये मैं, चलो ठीक है, ऐसे लगता है मोहित कुमार नहीं रहे नाल अपने जुड़े। ए सलो साहब, टाइम नठ जंदा, आप समराइज कर लो प्लीज। हां हां जी, इसको समराइज कर देना चाहिए। मोहित कुमार जी, कुछ आपने पूछ रहे हैं कुछ? और जी एक्चुअली जो मेरे माइंड में एक पॉइंट था वो आपने भी क्लियर कर दिया। एक्चुअली मेरे दिमाग में ये था कि जैसे कि अभी आपने कहा कि एकाधिकार की पावर आ जाती है, उसके बाद उन्होंने जो सीनियर थे या जो राय देने वाले लोग थे उनको वहां से निकालना शुरू कर दिया, उसके बाद अपना मत वहां पे स्थापित कर दिया। तो वही मैं जानना चाह रहा था कि जैसे कि हम यूएनओ में देखते हैं कि कुछ कंट्रीज होती हैं जो पार्टिसिपेंट होते हैं, उनके पास वीटो पावर होती है ना, तो वो वीटो पावर लाइक दैट, उसी तरीके से क्या बीडीपी में भी जो भी इसके कोर मेंबर्स होंगे उनके पास भी ऐसी कुछ वीटो पावर होगी कि जो मेन लीडर हैं या जिसके नेतृत्व में पार्टी चल रही है या जो भी प्रेसिडेंट हैं अभी मौजूद में मल्ला जी प्रेसिडेंट हैं, इस तरीके से आगे चेंज भी हो सकते हैं, है ना, तो क्या उनके पास ऐसी पावर रहेगी जो बाकी सबके पास है, या फिर वीटो पावर वाला जो ऑप्शन है उस तरीके का कुछ ऑप्शन अवेलेबल होगा? तो वो अभी आपने क्लियर कर दिया, वही मेरे दिमाग में क्वेश्चन था। हाँ, मैंने उसको क्लियर कर दिया है कि हम हर तरीके से चाहेंगे कि कोई भी एकाधिकार ना हो किसी का, जो भी हो, जो कोर कमेटी हो वो फाइनल डिसीजन लेंगे और उसी को हम अपनाएंगे, क्योंकि जब एकाधिकार हो जाता वहां पर प्रॉब्लम आती है। तो जैसे मैंने बोला कि मायावती ने उन आदमियों को ही निकाल दिया जो कि उसमें अड़चन बनती थी उनके लिए। तो इसमें जब हम, जैसे आपने वीटो पावर के बारे में बोला है, ये वीटो जो कोर मेंबर होते हैं, एक वीटो ही होती है, जब कोर के मेंबर सारे इकट्ठे मिलके सर्वसम्मति से कोई फैसला करते हैं तो फिर कोई एकाधिकार नहीं होता, वो सर्वजन राय हो जाती है, जितने भी हमारे बुद्धिमान व्यक्ति हैं उन्हीं की राय हो जाती है। यही हमारा मेन मकसद है और उसी के ऊपर हम चलेंगे। जी, मैं एक चीज की जानकारी दे दूं कि हमारा जो पार्टी का जो संविधान है उसमें हम लोगों ने पावर जो हमारी सेंट्रल कोर कमेटी है उसी को दिया हुआ, जो जो पॉलिटिकल डिसीजन जो जो
क्राइसिस कभी हमारे पार्टी के अंदर आता है या कि जो महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे उसका पावर सेंट्रल कोर कमेटी को है, और सेंट्रल कोर कमेटी में जो अनुभवी लोग हैं उन्हीं को हम लोग रखते हैं। जी हाँ जी, बहुत धन्यवाद। सो मोहित कुमार जी, ठीक है, जिदा आप सुनन साहब इतने ही समाप्ति करिए, 5:35 हो गए यूके टाइम, तो इतने भी काफ़ी लेट होना, 10 लगे हो गए। सो प्लीज तुसी समराइज कर दो सुनन साहब, जरी तो अशोक तुसी। ठीक है जेके साहब, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया और मेरे ख्याल सानू समराइज कर लेना चाहिए था और इस मीटिंग में इतने खत्म कर देना चाहिए हैगा। बात यह है कि हम अगर हम अपने इतिहास को देखें, कांशीराम जी की विचारधारा को कैसे स्टार्ट हुआ उसको देखें, 2007 में 206 सीटें सरकार बीएसपी ने यूपी के अंदर बनाई थी, वो 2012 में 80 सीटों के ऊपर आ गई और 2017 में 19 सीटों के ऊपर आ गई, और जब ये 2022 का इलेक्शन हुआ तो उसमें वो एक सीट पर आ गई और वो भी एक सीट जो से है उसको एक्सपेल कर दिया गया। ऐसा क्यों हुआ, इसका कारण क्या है? काशीराम कहते थे कि जिससे संघर्ष उससे समझौता नहीं, लेकिन मायावती ने जो कि बसपा के सुप्रीमो थे उन्होंने उस काशीराम जी की जो सोच थे उसके विपरीत काम किया, उसके उल्ट काम किया। जिन वर्गों को दलितों को जो वर्ग दबाते आए हैं उन्हीं से उन्होंने समझौता कर लिया। वहीं पर जब काशीराम जी चले गए, चार दफा जो यूपी के अंदर अपनी पार्टी सत्ता बना चुकी है उसके बाद जैसे ही काशीराम जी गए उसके बाद धीरे धीरे डाउनफॉल आना शुरू हो गया। तो इस वक्त तो हम यही कह सकते हैं कि हमें जो है अपनी विचारधारा को जो काशीराम जी ने कहा उसके ऊपर चलने की जरूरत है। जो उन्होंने अम्ब्रेला बनाया है बहुजन का कि सभी एक अम्ब्रेला के नीचे आए, हम उसी अम्ब्रेला के ऊपर उसी के सहारे चलने की हमारी इच्छा है, उसी के ऊपर हम चलेंगे। और 1984 में बीएसपी की स्थापना हुई थी, लेकिन 1984 के बाद 2006 में काशीराम जी की मृत्यु हो गई, उसके बाद ये डाउनफॉल आना शुरू हुआ। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि भी हम जो भी हमने विचार किए हैं जिसके ऊपर हम चले हैं, हम बीडीपी को एक अच्छे मुकाम पर ले जाने की कोशिश करेंगे, जैसे साहब माननीय काशीराम जी चाहते थे उन्हीं विचारों को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से विचारों को खत्म कर दिया गया और दूसरों से समझौता कर लिया गया, अभी जैसे आपको बोला है, अभी आपने क्वेश्चन भी किया है, हम इस तरह का समझौता एक आदमी के पास इस तरह का कोई अधिकार नहीं देंगे पीडीपी में। ये जो भी अधिकार होंगे ये कोर कमेटी के ऊपर होंगे, कोर कमेटी जो उनसी है एक पढ़े लिखे लोगों का जो कि अच्छे मतलब काम करने वाले लोग हैं, जिन्होंने जमाने को देखा है, जिन्होंने समाज को देखा है, वो होंगे और फैसला जो सा है एक सामूहिक फैसला होगा। और जब हम इस तरीके से चलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी हम बीएसपी वाली हालात के ऊपर हम पहुंच सकेंगे। तो मैं आज के दिन इतना ही कहना चाहता हूं, और जितनी भी संगत काशी रेडियो पे फेसबुक के जरिए हमारे साथ जुड़ी हुई है मैं उनका बहुत ही धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे साथ काफ़ी समय व्यतीत किया, आप हमारे साथ जुड़े। अगर आपको कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो आप हमें मैसेज भी दे सकते हो, हम उसका बाद में भी जवाब दे सकते हैं। तो हमेशा हम आपके साथ हैं और हम कोशिश करेंगे कि हम आपके जो समाज के कायदे कानून है उसके ऊपर चले, जो काशीराम जी की अपने बाबू बंगूराम जी की जो डॉक्टर अंबेडकर जी की विचारधारा थी उसको हम प्रफुल्लित करें, उसको ऊपर चलने की कोशिश करें। धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय भारत।
समाप्ति तो पहले मैं सारे जो फेसबुक जुड़े थे जिन्होंने कॉमेंट किए मैं धन्यवाद करदा। सो रोहित चुंबल का काला बालों बंगे तो रीना जी कुलविंदर सिंह जी सतीश कुमार जी राजू चौहान तीर्थ सिंह कांशी राम नागपुर परशोत्तम सिंह जी बलजिंदर कुमार जी राजू चौहान फिर सतपाल जर्मनी तो जी जस बदन फिर गुरदयाल चंसलर का भी। सो बहुत बहुत धन्यवाद सारे का जफरुद्दीन बागोड़िया जी का धन्यवाद भी करते हैं। सो दोस्तो जिहड़े जिहड़े नाल हिस्सा पाया साकट साहब मोहित कुमार राजवीर जी गौतम साहब माफ करना जगदीश कौर नहीं जुड़ हुई सलन साहब जी धन्यवाद करता इतने ही समाप्ति का प्रोग्राम सारे ने मैं जय गुरदेव जय भारत जय भीम बुलाए दे नाल थोड़े वास्ते एक मेरा फेवरेट गीत मैं मूल निवासी भारत का।